अस्पताल खोलने तो छोड़ दीजिए, बात कर दीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने की क्या कौन सी योजना दी थी, जोर से बोलिए ना, ये गरीबों को बचाना नहीं चाहते हैं केजरीवाल साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, किसी भी गरीब का बेटा या बेटी तड़प तड़प करके नहीं मरेगी इलाज के अभाव में, ये काम आयुष्मान भारत के तहत किया था। पूरी दुनिया ने आयुष्मान भारत की प्रशंसा की, पूरी दुनिया ऐसा चमत्कार वाली, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी बच रही है, 50 करोड़ लोगों से भी अधिक की जिंदगी हर वर्ष उनको पैसा मिलेगा, 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा, 5 लाख जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं होगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी, कम से कम गरीबों पर तो तरस आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस योजना को यहाँ लागू ना करके यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, और इसलिए लोगों को खड़ा होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। ना आपने बनाया, ना आपने अस्पताल बनाए, ना बेड बढ़ाए, और जो हमारे प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार कर रही है उसको भी आपने आने नहीं दिया। ये पहला काम जेपी भाई का होगा, ये सबसे पहले आपके साथ खड़े होकर के एक साथ आपके स्वास्थ्य की चिंता करके भारत सरकार की योजना को लागू करेंगे। आप ये बताइए, ये तब धरना देते थे, कितना झूठ बोलते थे, बेमाने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, क्या इस सरकार से भ्रष्टाचार हटा है? ये पीछे क्यों नहीं बोल रहे लोग? ये सरकार से भ्रष्टाचार हटा है? क्या हुआ है? बड़ा है? तो इनको क्या हक है उस कुर्सी पर बैठने का? न तो काम कर सकते, न बोल सकते, न चल सकते, न हिट सकते हैं, हिट जानते हो ना, ये कुछ कर नहीं सकते, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये अच्छा मौका है, ये समय वापस नहीं आएगा। कितनी तारीख को मतदान है? कितनी तारीख को? ये 8 तारीख वापस नहीं आएगी। ये जेपी भाई रात और दिन खपते हैं मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए मेरी माँ और बहने यहाँ है। हमारी गवर्नमेंट ने तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस परिवार में नारी का सम्मान रहता है भगवान भी वही जो भी उसको याद करता है उसकी जिंदगी को बचाने के लिए मिशन पूरा कहती है। आज उनको 108 का दर्जा दे दिया है कि ऐसा व्यक्ति है हमारे पास जो सबके सुख और दुख में, जो सबके सुख और दुख में 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहता है। कैसा आदमी चाहिए जो साथ खड़ा रहता है? वो चाहिए या जिसकी डर से कोई सामने ही ना आए, ऐसा चाहिए, बताइए ना। और इसलिए इस समय मैं देख रहा हूं, जिधर जा रहा हूं जेपी 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 हो रहा है ना, सब जगह जेपी। अब ये आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए कि ये आप पार्टी को तो झाड़ू से ही साफ कर दीजिए, वैसे ही वापस कर दीजिए, एक बार संकल्प ले लीजिए। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि झूठ की भी सीमाएं होती हैं। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां बहुत होती है, मुख्यमंत्री कभी कंबल को लेकर के सड़क पर नहीं बैठता, इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी कभी नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? ये तो ये भी ये पार्षद है, ये भी नहीं बैठे होंगे ऐसे। आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन आप भगोड़ू नजर आए, आए या नहीं आए? तो ऐसे भगोड़ू लोगों को कब तक सहोगे भाई, कब तक आखिर? ये अभी मेरे जिला जज जी कह रहे थे, मैंने कहा ये तार जो है, इन्होंने तो कहा था कि हम ये जो झूलते हुए तार हैं इनको ठीक करेंगे, बोले तभी तो जेपी भाई को लोग याद कर रहे हैं कि जल्दी उनको वापस लाना है। कौन सा भी रूपानी जी जब चर्चा कर रहे थे, एक काम तो बता दो जो तुमने कहर किया, कोई काम तो बता दो। हाँ, लोगों को भड़काने का काम किया,
और इस दिल्ली में जिस तरीके से आग में जलाई है दिल्ली, क्या दिल्ली के लोग नहीं समझते इस बात को? सारे लोग इस बात को समझते हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप यहां इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि नफरत फैले लोगों में, आपस में लोग भिड़े और हिंसा हो। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रही है? इनको माफ करना चाहिए। इन्होंने आपको शुद्ध जल देने की बात की थी, आपको शुद्ध पानी मिल रहा है? इन्होंने कहा था कि अस्पताल खोलेंगे, खोल दिए? अस्पताल खोलने तो छोड़ दीजिए, बात कर दीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने की क्या, कौन सी योजना दी थी, जोर से बोलिए ना, ये गरीबों को बचाना नहीं चाहते हैं केजरीवाल साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, किसी भी गरीब का बेटा या बेटी तड़प तड़प करके नहीं मरेगी इलाज के अभाव में, ये काम आयुष्मान भारत के तहत किया था। पूरी दुनिया ने आयुष्मान भारत की प्रशंसा की, पूरी दुनिया ऐसा चमत्कार वाली, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी बच रही है, 50 करोड़ लोगों से भी अधिक की जिंदगी हर वर्ष उनको पैसा मिलेगा, 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा, 5 लाख जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं होगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी, कम से कम गरीबों पर तो तरस आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस योजना को यहाँ लागू न करके यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, और इसलिए लोगों को खड़ा होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। ना आपने बनाया, ना आपने अस्पताल बनाए, ना बेड बढ़ाए, और जो हमारे प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार कर रही है उसको भी आपने आने नहीं दिया। ये पहला काम जेपी भाई का होगा, ये सबसे पहले आपके साथ खड़े होकर के एक साथ आपके स्वास्थ्य की चिंता करके भारत सरकार की योजना को लागू करेंगे। आप ये बताइए, ये तब धरना देते थे, कितना झूठ बोलते थे, बेमाने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, क्या इस सरकार से भ्रष्टाचार हटा है? ये पीछे क्यों नहीं बोल रहे लोग? ये सरकार से भ्रष्टाचार हटा है? क्या हुआ है? बड़ा है? तो इनको क्या हक है उस कुर्सी पर बैठने का? न तो काम कर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न हिट सकते हैं, हिट जानते हो ना, ये कुछ कर नहीं सकते, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और मैं ये समझता हूं ये अच्छा मौका है, ये समय वापस नहीं आएगा। कितनी तारीख को मतदान है? कितनी तारीख को? ये 8 तारीख वापस नहीं आएगी। ये जेपी भाई रात और दिन खपते हैं मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए मेरी माँ और बहनें यहाँ हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस परिवार में नारी का सम्मान रहता है भगवान भी वही वास करते हैं, ये है विचार हमारा। और स्मृति जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बोलेंगी, क्योंकि इन्होंने जितने काम किए हैं मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सब बताएंगे, स्मृति बहन अभी सारी बातों को बताएंगी। मैं तो ये अपील करने के लिए आया हूँ कि इस देश का सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जिस तरीके से आप 2014 का भारत देखते थे, 13 तक का अपाहिज भारत, बेमान भारत, भ्रष्ट भारत, ऐसे भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में हो गई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज पूरी दुनिया में हमारा माथा ऊंचा करके गौरव के साथ हम कहते हैं हाँ हम भारतवासी हैं। पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? या केजरीवाल का भारत चाहिए? तो इसलिए जितने लोग इधर बैठे हुए हैं, एक एक करके आज से योद्धाओं के रूप में एक घर एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए। कौन आदमी होगा इस दिल्ली में
जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काम नहीं करना चाहता, जो उनको प्यार नहीं करता, पूरी दुनिया तो उनके पीछा करके खड़ी है। इस समय संकल्प ले लो, इस सरकार को उखाड़ करके, जयप्रकाश भाई को आप झुका करके, जितने विकास के काम आपकी झोली में आएंगे, शिक्षा पर बोलते हैं, ये शिक्षा पर बोलते हैं, ये कहते हैं हमने शिक्षा पर काम किया, बालिकाओं की सुरक्षा में इन्होंने क्या किया, जवाब देना चाहिए इनको। और हमारी सरकार ने तो हजारों हजारों अभी जो सुरक्षा बल में हजारों बहनों को और भर्ती करवाया है, एक नहीं तमाम दर्जनों दर्जनों योजनाएं। और शिक्षा के बारे में ये कहते हैं, बताएं क्या किया, ये तो बताइए क्या किया आपने शिक्षा में, जो योजनाएं शिक्षा की थी वो भी लागू नहीं की, क्या क्या है शिक्षा में बता तो दें। इसलिए ये जो झूठ का ये पोटली है, जो झूठ की, इसको हट जाना चाहिए ना, इसको खत्म होने चाहिए ना, हो जाएगी, होगी, हम माननीय मोदी जी को बोल दें कि हो गया मामला ठीक, बोले एक तरफा मतदान होगा, जमानत उधर की जब्त होगी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, जयप्रकाश जी भारी बहुमत से जीतेंगे, बोलो भारत माता की। धन्यवाद।